तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे मैं आज कौन सी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं ऐसे ही आज कुछ सिक्योरिटी फीचर्स बताऊंगा विंडोज़ रिलेटेड, जो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा अगर आप नए विंडोज़ यूज़र हो, अगर आप नया लैपटॉप परचेस करते हो, नया डेस्कटॉप आपके पास है, तो आपके पास बहुत सारे डेटा होता है। और आज जो इंटेलिजेंट की मार्केट है ना, डिजिटलाइजेशन का जो मार्केट है, इसमें हैकिंग होने का बहुत बहुत चांसेस रहता है। तो कुछ ऐसा रैंसम वायरस अटैक हो जाता है, टॉर्जन अटैक कर देता है, कुछ मालवेयर अपने सिस्टम पर आ जाता है। बट ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो आज मैं फायरवॉल तक की जो सिक्योरिटी सेटिंग और डेटा इनक्रिप्टेड से लेके डेटा फोल्डर लॉक तक मैं आपको सारे फीचर्स दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। और आप अगर अभी भी मेरा सेटिंग वीडियो देख के अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हद तक हेल्पफुल होने वाले हैं आपको डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरा अगले का स्टेटमेंट होगा, आप समझ गए होंगे, बस बेल आइकन प्रेस हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता है और आपके पास जाता रहे। तो चलिए 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 तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा पीसी, तो आज आपको दिखाएंगे हाउ टू सिक्योर योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। तो सिक्योर कैसे करते हैं वही वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले सेटिंग होगा मेरे यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट। तो पासवर्ड सेट सबसे पहले करेंगे। विंडोज में दो तरीके से पासवर्ड को सेट किया जाता है, और भी तरीके से किया जाता है, कॉमन सा जो होता है वो दो तरीके से किया जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। तो हाउ टू सेट पासवर्ड योर सिस्टम, कंट्रोल पैनल पे जाके आपको यूजर अकाउंट में जाना है। यूजर अकाउंट में जैसे मैं आ गया, देखिए यूजर अकाउंट को आपको सिंगल क्लिक करते जाना है, सिंगल क्लिक करते जाना है आपको यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट में आके आपको सिर्फ इसमें आना है मैनेज अनदर अकाउंट, राइट, मैनेज अनदर अकाउंट। देखिए आई टी एडमिनिस्ट्रेटर लोकल अकाउंट मेरा पासवर्ड ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, मैं इसको पासवर्ड सेट करके दिखा रहा हूँ। मैनेज अनदर अकाउंट में सिंगल क्लिक, आई टी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी सिंगल क्लिक। देखिए इसमें आ गया चेंज अकाउंट नेम, चेंज द पासवर्ड, चेंज अकाउंट टाइप। तो मेरे को चेंज पासवर्ड, तो चेंज द पासवर्ड में क्लिक करूंगा। करेंट पासवर्ड मेरा जो भी है वो मैं रखूंगा। उसके बाद न्यू पासवर्ड आपको देना है। अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं किया तो इसमें करंट पासवर्ड नहीं मांगेगा। मैं ऑलरेडी पासवर्ड सेट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे करंट पासवर्ड मांगा। तो मैं न्यू पासवर्ड डालूंगा इसमें। और हाँ, पासवर्ड आपको 8 बिट से 16 बिट तक होना चाहिए। और पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर जरूर यूज करना, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड को स्ट्रेंथ बनाता है। तो मैं इसमें सेट करूंगा, देखिए मैं अपने पासवर्ड को सेट कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। थोड़ा सा 8 बिट से 16 बिट तक होना चाहिए पासवर्ड। अब इसमें पासवर्ड हिंट मांग रहा है। हिंट इसलिए दिया जाता है कि अगर आप भूल जाते हो, अगर आप कोई हिंट लगा के रखते हो, वो देख के आपको पासवर्ड याद आ जाए, राइट। तो मैं इसमें चेंज पासवर्ड करूंगा, मैं हिंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑप्शनल है चेंज पासवर्ड। देखिए मेरा पासवर्ड पहले तरीके से चेंज हो चुका है। अब मैं सेकेंड तरीके से इसको चेंज करके दिखाऊंगा। सेकेंड तरीके आपको सिर्फ विंडोज ई प्रेस करना है, राइट। विंडोज ई जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको इसे दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी के ऊपर आपको मैनेज में क्लिक करना है, राइट। मैनेज में जैसे क्लिक करोगे, अगर आपका पीसी थोड़ा सा लो कॉन्फ़िगरेशन में है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वेट कर लीजिएगा। फिर इसमें आगे आएगा लोकल यूजर एंड ग्रुप, तो आपको इसमें भी सिंगल क्लिक करना है और यूजर के ऊपर डबल क्लिक करना है। आप देखिए आई टी एडमिनिस्ट्रेटर मेरा जो यूजर है उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और सेट पासवर्ड करूंगा, प्रोसीड। इसमें भी मैं पासवर्ड रखता हूँ, इसमें आपको पुराना वाला पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा, इसमें हम आपको न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड ही पूछा जाएगा। तो इसमें मैंने पासवर्ड सेट कर दिया एंड मैं ओके कर दूंगा, राइट। तो ऐसे तो मेरा पहला स्टेप, दो कैसे पासवर्ड सेट करते हैं, मैं दोनों तरीका दिखा दिया आपको। तो ऐसे करते हैं पासवर्ड सेट। अब मैं सेकेंड में आऊंगा, सेकेंड जो स्टेप है मेरा, हाउ टू डिसेबल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को हमें डिसेबल करना होता है, ऑन रहता है आपके सिस्टम में। रिमोट डेस्कटॉप की मदद से हैकर क्या करेगा, आपको वीपीएन टनल बनाएगा और आपके सिस्टम में आ जाएगा और रैंसम वगैरह डाल के चला जाएगा। उसके बाद आपसे कॉल करके पूछा जाएगा कि आपके सिस्टम हैक हो चुका है, अगर आपको डेटा को छुड़ा लेना है तो मेरे को पैसे दो, अगर आपकी डेटा है कॉन्फिडेंशियल तो आप पैसे से खरीद लोगे। तो इसीलिए इस वीडियो में बना रहा हूँ हाउ टू प्रोटेक्ट योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, फॉलो कीजिए। अगर
अपने सिस्टम को सिक्योर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी डेटा होता है कॉन्फिडेंशियल। तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए मैं जाऊंगा स्टार्ट मेन्यू में एंड इसमें लिखूंगा रिमोट, RMOT, रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग आ गया। आपको रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग में जाके इसको करना है, ये ऑन है, इसको मेरे को करना है बंद। इसमें करूंगा बंद तो मेरे से पूछा गया डिसेबल रिमोट डेस्कटॉप, मैं बोलूंगा यस कन्फर्म। कन्फर्म जैसे कर दूंगा तो ये बंद हो चुका है। तो आपकी रिमोट डेस्कटॉप जो सेटिंग है, कनेक्शन है, वो बंद हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, कि फायरवॉल, विंडोज के एक फायरवॉल होता है जो बाहर की अटैक से हमारे सिस्टम को बचाता है। तो उसको प्राइवेटली एंड पब्लिकली ऑन रखना होता है, जिसके थ्रू वो ऑन रहेगा तो बाहरी जो अटैक होता है वायरस की, हैकिंग की जो अटैक होता है, वो आपको क्या करेगा, बचाएगा आपकी पीसी को, प्रोटेक्टेड करेगा। तो इसके लिए हमें कंट्रोल पैनल पे जाना है, राइट। कंट्रोल पैनल पे जाकर लिखूंगा, दोबारा स्टार्ट मेनू पे जाना है, कंट्रोल पैनल। अगर कंट्रोल पैनल आपकी डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट है तो सीधा जा सकते हो। तो मैं कंट्रोल पैनल पे जा रहा हूँ स्टार्ट मेनू से। इसमें आपको कैटेगरी को करना है लार्ज आइकन, लार्ज आइकन में जैसे करोगे सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और विंडोज डिफेंडर के ऊपर क्लिक करना। देखिए मेरा विंडोज फायरवॉल हो रखा है बंद, मतलब डिसेबल हो रखा है प्राइवेटली एंड पब्लिकली दोनों तरफ से मेरा फायरवॉल क्या है, रोके बंद। तो मेरे को इसको करना है ऑन, टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन। इसको करूंगा टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन एंड विंडोज डिफेंडर फायरवॉल को पब्लिकली भी ऑन कर दूंगा। तो एक मैंने कर दिया ऑन, तो ये क्या करेगा, बाहरी जो अटैक है उससे हमें बचाएगा। तो ये हो गया मेरा एक और स्टेप। तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है या परचेस कर रखे हो तो उसको अपडेट करो, उसको स्कैन करो एंड उसको उसके प्रोटेक्शन को ऑन रखो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि विंडोज के अंदर डिफेंडर आता है, विंडोज डिफेंडर जो बहुत हद तक आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा एंड ये बहुत बढ़िया है। मैं ऑलवेज सजेस्ट करूँगा विंडोज डिफेंडर की। मैं आपको परचेस वाला भी नहीं बोलूँगा कि परचेस करके मत खरीदो, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट मेरे सजेशन लोगे, मेरा रिकमेंडेशन है विंडोज डिफेंडर यूज़ करो, इसमें बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। तो मेरे को करना है इसको भी ऑन, इसका वायरस प्रोटेक्शन ऑन करना है और स्मार्ट स्क्रीन वगैरह सारे कुछ ऑन रखना है। टेम्पर अटैक से भी बचाता है। तो मेरे को डिफेंडर में जाके, देखिए मेरा डिफेंडर हो रखा है बंद, अगर आपका ऑन है तो इसको बंद मत कीजिएगा। तो वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में जाऊँगा, मैनेज सेटिंग पे जाऊँगा और रियल टाइम प्रोटेक्शन को करूँगा ऑन। तो ये पॉपअप मांग रहे यस, मैंने बोलूँगा यस। उसके बाद क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, इसको भी यस। उसके बाद ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन यस, टेम्पर प्रोटेक्शन यस, सारे कुछ ऑन रखना है। उसके बाद आपको होम में आ जाना है, होम में आने के बाद ऐप एंड ब्राउज कंट्रोल पे आपको जाना है एंड रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन सेटिंग में आपको क्लिक करना है एंड चेक एप्स फाइल, इसको भी करना है ऑन। कोई भी आप फाइल इसमें आते हैं, कोई भी ऐप्स आप इंस्टॉल करते हो, पहले चेक करेगा कि आपको व्हाइट लिस्ट करेगा, उसके बाद ही आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो इसको भी मैं करूँगा ऑन और ये मेरे से यस पूछ रहा है यस। स्मार्ट स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट एज ऑन, ब्लॉक ऐप्स को टिक करना है यस। उसके बाद स्मार्ट स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप्स यस। अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कोई भी ऐप्स इंस्टॉल करते हो वो भी वो प्रोटेक्टेड करेगा। तो ये हो गया एक और स्टेप, एक और तरीके से सिस्टम को मैंने कर दिया। इसमें करना है सेटअप वन ड्राइव, अगर वन ड्राइव है तो उसमें से आप सेटअप कर सकते हो। मैं वन ड्राइव यूज नहीं करता हूँ तो मैं डिसमिस करूंगा, इसको भी करूंगा डिसमिस यस। अब अकाउंट प्रोटेक्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट आपके पास है, आप उसके थ्रू आपके पीसी यूजर लॉगिन कर सकते हो। इसमें आईफोन की तरह सिक्योरिटी होता है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट से आपको पासवर्ड रिसेट करना पड़ता है। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन भी नहीं किया हूँ। तो उसके बाद मैं एक और स्टेप है आपके, वो है कैसे डेटा को इनक्रिप्टेड किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में भी इनक्रिप्ट किया जाता है डेटा को, वो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप करोगे कि नहीं करोगे। मैं करूँगा, मैं अभी मेरे फाइल मैनेजर पे आ गया। तो हाउ टू डेटा इनक्रिप्टेड इन विंडोज 10, तो टेक्नोलॉजी जैन देख रहे हो मेरा फोल्डर बना हुआ है, मैं इसको करूँगा इनक्रिप्टेड। तो इसको कर ले, इसके ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपको आना है एडवांस, उसके बाद आप ये देख रहे कि कंप्रेस इनक्रिप्टेड एट्रीब्यूट्स, बोले कंप्रेस ये मेरे को ये पूछा जा रहा है
कि आप इनक्रिप्टेड करोगे तो मैंने इनक्रिप्टेड कंटेंट टू सिक्योर डाटा, इसमें आपको टिक लगाना है, ओके करना है एंड अप्लाई करना है। जैसे आप लोगों से पूछेगा कि तुम अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली या सब फोल्डर, मैंने बोला ओनली इस फोल्डर को, तो इसको मैं करूँगा ओके एंड ओके। जैसे मैंने ओके कर दिया, देखिए इसमें क्या आ गया, एक लॉक की आइकन बना हुआ आ गया, तो मेरा डेटा हो चुका है सिक्योर। अगर कोई भी मेरे डेटा को अब चुराने की कोशिश करेगा तो उसके पास डेटा ऐसे जाएगा। आपको ये भी दिखा देता हूँ कि डेटा कैसे जाता है लोगों के पास, दिखाता हूँ आपको। एक फाइल आया, चलिए इसको दिखाता हूँ। इसको करेंगे ओपन विथ नोटपैड, कुछ इस तरह की दिखेगा, कुछ इस तरह की डेटा दिखेगा जो हैक करके ले जाएगा आपके पास से। तो ऐसे करते इनक्रिप्टेड सिस्टम को, आपको सिस्टम को बनाइए हार्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैं हूँ जयंत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी जयंत। मेरे जब चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो उसके बाद मेरा अगला जो स्टेप होगा पीसी को सिक्योर करने के लिए, वो होगा स्टोरेज सेंस को ऑन करना, राइट। आपकी डेटा को सेंस को ऑन करना, क्योंकि टेम्पररी फाइल बग फाइल्स आता रहता है, वो भर भर के आपके सिस्टम के अंदर पूरा भर के चला जाएगा। तो उसको मेरे को क्या करना है, सिंपल सा सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें स्टोरेज लिखना है, स्टोरेज, देखिए स्टोरेज सेटिंग में मेरे को क्लिक करना है। और देखिए मेरा ऑन, ये स्टोरेज सेटिंग में मेरा ऑफ हो रखा है, इस सेंस को मैं करूँगा ऑन। जैसे सेंस को ऑन करूँगा ये क्या करेगा, सारे मेरे को बता देगा कि टेम्प फाइल ये वगैरह सारे कुछ वो अपने आप रीड करेगा और डिलीट करता जाएगा। तो ये आपको ये जो स्टोरेज सेंस ऑन करने से क्या होता है, ये आपकी जो बॉक्स फाइल होता है टेम्पररी फाइल है, उससे आपके डेटा को बचाता है, आपको पहले अलर्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका सिस्टम, आपको पता ही नहीं है कि आपके सिस्टम क्या क्या एक्सेस लेके बैठा हुआ है आपसे, क्या क्या एक्सेस लेके बैठा हुआ है आपको पता ही नहीं है। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे पता करते हैं। तो आपको सेटिंग में जाना है सिंपल सा दोबारा, एंड प्राइवेसी पे आना है, राइट। प्राइवेसी पे आ गया मैं, उसके बाद देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, थोड़ा सा और कीजिए, देखिए अकाउंट इन्फो, मतलब आपके अकाउंट की जानकारी कौन ले रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ले रहा है आपसे। आप इसको ऑन करके रखे हो, देखिए ऑन है, इसको आपको करना है बंद, मेरे को एक्सेस नहीं देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो ये भी ऑन है, इसको भी आपको करना है बंद। उसके बाद आपके फ़ोन कॉल्स मैनेज कर रहा है, इसको भी करना है बंद। कॉल हिस्ट्री को मैनेज कर रहा है, इसको ये ऑलरेडी बंद है। उसके बाद आपको ईमेल को भी बंद करना है, ये एक्सेस सारे हटाना है, मैसेजिंग का एक्सेस हटाना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस हटाना है, पिक्चर की एक्सेस हटाना है, वीडियो से एक्सेस हटाना है, राइट। वीडियो देख के आपको थोड़ा सा तो अभी नॉलेज आया गया होगा कि कैसे करते हैं सिक्योर। तो सारे स्टेप करना होता है आपके पीसी को और आपकी डाटा को बचाने के लिए। तो ये हो गए सारे एक्सेस मैंने हटा दिया। उसके बाद एक प्राइवेसी सेटिंग होता है जिसको हमें ऑन करना होता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक प्राइवेसी सेटिंग में जाना, दोबारा प्राइवेसी पे जाना, ये देखिए जेलें चेंज प्राइवेसी ऑप्शन, लेट्स एप्स एडवर्सिटी आईडी मेक, इसको सारे को जितना भी टिक देंगे इसको टिक करके ऑन कर दो। हो गया शो सजेस्टेड कंटेंट सेटिंग ऐप, लेट विंडोज ट्रैक ऐप लॉन्च, इंप्रूव स्टार्ट एंड सर्च रिजल्ट, तो इसको कर दे ऑन। मैंने सारे कर दिया ऑन। उसके बाद आपको सिस्टम अपडेट होना चाहिए, अपडेट होता रहना चाहिए। तो अपडेट को ऑटोमेटिक अपडेट को ऑन रखना है, तो आपको चेक करना है कि अपडेट ऑन है कि अगर अपडेट आया तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी नहीं है। देखिए मेरा अपडेट आया, तो ये देखिए ऐसा करके कुछ आएगा आपके पास। तो मैं इसमें जाऊंगा, आप सेटिंग में भी जा सकते हो, सीधा मैं सेटिंग्स से जाके जाता हूँ। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाओगे, एडवांस ऑप्शन पे आओगे, देखिए मेरा सारा कुछ बंद है, रिसीव अपडेट सब माइक्रोसॉफ्ट अपडेट नोटिफिकेशन सारे बंद है। तो मेरे को इसमें क्या करना है, सारे को ऑन कर देना है कि जब भी कोई अपडेट आए तो मेरे को तुरंत बताएं। और ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे, सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी पैचेस अपडेट होता रहता है, ये आपको ऑन रखना है हमेशा। इसके बाद आप डेटा को शेयर करते हो, राइट। 10 जने के बीच में आपने डेटा शेयर कर दिया, तो उसमें क्या होता है, डेटा शेयर कर देते हो बट आप प्रोटेक्टेड करना भूल जाते हो, रीड एंड राइट परमिशन देना भूल जाते हो।
तो मैं क्या करूँगा, इसको भी जाके सबसे पहले देखूंगा उसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड में ऑन कर दूंगा कि कोई भी अगर आए डेटा चुराने की कोशिश, उसका पासवर्ड पॉपअप हो। इसलिए मैंने पासवर्ड सेट करवाया था आपसे। ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे एंड सबसे पहले आपको इंटरनेट के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क सेटिंग में जाना है एंड नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर जाना है और चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग में जाना है और इसमें क्लिक कीजिए ऑल नेटवर्क में। ये देखिए टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मेरा टर्न ऑफ हो रखा है। तो अगर आपका टर्न ऑन है तो ऑन रहने दीजिए, अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए। तो अगर कोई भी अगर आपसे भागेगा तो उस यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा हैकर से। हैकर को क्या पता आपके अपने पासवर्ड क्या सेट किए थे। तो ऐसे ही करते पीसी को प्रोटेक्टेड। तो आई होप मैंने बहुत सारे सेटिंग आपको दिखाया। अगर इसमें से कोई भी मेरे से गलती हुआ तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को सारे कुछ आता है, मैं भी गलती करता हूँ। तो अगर इसमें से कोई भी गलती हुआ तो कमेंट करके मेरे को बिल्कुल बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ज़रूर अगर आपकी डेटा कॉन्फिडेंशियल है तो ये सेटिंग अपना लो जल्दी से जल्दी, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के लिए ख़त्म करते वीडियो। तो मैं हूँ जयंत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी जयंत। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई गलती हुआ, और अगर कोई दोस्त को बताना है तो शेयर कर दीजिए। तो चल दिए, आज के लिए जय हिंद, स्टे होम और स्टे सेफ।